अवैसी बोले, मुसलमानों से सिस्टमेटिक तरीके से बाबरी मस्जिद छीनी। विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गई, वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से दो दिन पहले हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है। ओवैसी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, विवादित जगह पर रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई, वहां मस्जिद थी, है और आगे भी रहेगी। जब कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस जगह पर 500 साल से मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई, वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। उन लोगों ने मूर्तियां नहीं निकाली। वहां के तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने मस्जिद बंद कराकर पूजा शुरू कर दी। नायर साहब 1950 के दशक में जनसंघ के पहले सांसद बने। 1986 में मुसलमानों को बताए बगैर ताले खोले गए। बूटा सिंह ने शिलान्यास कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बीजेपी के पास यह मुद्दा कब आया आपको पता है? 1989 में बीजेपी ने पालमपुर में रिजोल्यूशन पास किया। एक सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद छीन ली गई। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। फेस धार्मिक विश्वास के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह जगह हम मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। संघ परिवार अब हर जगह जाकर यह बोल रहा है कि वहां मस्जिद नहीं थी। मैं कहता हूं कि अगर गोविंद बल्लभ पंत यह मूर्तियां हटा देते तो क्या हमें यह दिन देखना पड़ता? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या यह दिन आता? ये हमारे सवाल हैं, जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ओवैसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने आप को सेक्युलर बोलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंडिया में शामिल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हर मंगलवार को सरकारी स्कूलों में सुंदरकांड का पाठ होगा। क्या स्कूल का कोई धर्म होता है? अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। झगड़ा ये है कि मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।